अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पिछले बार मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 खास रोजनामे के बारे में। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 खास रोजनामे के बारे में मैंने पहला एक दाखिला भी कराया था, जिसके अंदर कुछ एंट्री थी जो हम करते थे पूंजी खाते में वैसी नहीं थी, थोड़ी अलग थी। तो अब यहाँ पर दूसरा आमदन बुक की दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरा दाखिला करेंगे, दाखिला नंबर 6 एक्सरसाइज का सम नंबर 6 छठा दाखला हम यहाँ पर करेंगे। तो लिखा हुआ है श्री गुजरात स्टोर श्रेणी हुंडी लोन देवी हुंडी लोन तथा माल परत लोन अने अलग पेड़ा नोंधो राखता नथी। लेणी हुंडी की नोंध बनाई जाती है, देवी हुंडी की नोंध भी बनाई जाती है, उसकी आमदन बनाई जाती है, उसके खाता भी बनता है। तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम सीखेंगे, वो अभी हम सीखे नहीं है। तो वैसा माल परत नोट तो हमने सीख लिया है, खरीद वापसी फरोख वापसी की नोट बनाना सीख लिया है सब्सिडियरी नोट में। तो वो खाते यहाँ पर गुजरात स्टोर्स रख नहीं रहे, माटे नीचेना व्यवहारोनी नोंद तेओनी खास आमदन में लखो। अब ये जो नोंद है उसकी खास आमदन में एंट्री करनी है, ठीक है। लेणी हुंडी देवी हुंडी के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, लास्ट पीरियड में आपको बताया था। अब यहाँ पर ये कुछ 5 एंट्रीज है, वो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। पांच आमलों की एंट्री हमको यहाँ पर करनी है। श्री गुजरात स्टोर्स ने खास आमलों नाम दिया हुआ है, श्री गुजरात स्टोर्स ने खास आमलों। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रम, आपने यहाँ पर देख लिया होगा, यहाँ पर लिखेंगे तफसील, खाते का पाना नंबर, उधार रकम और जमा रकम, आपने यहाँ पर देख लिया होगा। आमलों की तरह ही यहाँ पर कॉलम बनाई जाती है, जैसी आमदन की कॉलम होती है वैसी ही यहाँ पर कॉलम बनाई जाती है। तो हम पहले ही एंट्री करेंगे, रमणी के आपने चुका हुआ ना 5-8 हज़ार ना बदला में हुंडी स्वीकारी परत करी। रमणी हमको पैसे देने वाला है, ठीक है। तो हमको उसके पास से पैसे लेने हैं। ये मैं आपको समझाऊंगी इस तरह, रमणी हमको पैसे देने वाला है। तो वो क्या हुआ, देवादार, और देवादार के ऊपर होती है लेणी हुंडी, और लेणी हुंडी उधार होती है, देवी हुंडी जमा होती है, ये चीज़ आप याद रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, पहली एंट्री लेणी हुंडी खाते उधार पैसा आएगा ना हमारे पास, देवादार का खाता मैंने पहले ही बताया था, देवादार का खाता उधार होता है, उसी तरह लेणी हुंडी का खाता यहाँ पर उधार होगा। कितनी एंट्री से, 8 हज़ार से। रमणी खाते जमा, ये हमको पैसा देने वाला है, ठीक है, ये हमको पैसा देने वाला है, इसका खाता हम जमा करेंगे, लेणी हुंडी का खाता उधार। अब दूसरी एंट्री, विजय ने लखेली 3 हज़ार देवी हुंडी स्वीकारी परत करी। विजय ने लखेली, हमने स्वीकारी, हमने एक्सेप्ट करी, इसका मतलब विजय हमारा क्या हुआ, लेंडर, हमने एक्सेप्ट किए, इसका मतलब ये कि हमको उसको पैसे देने, हमने एक्सेप्ट किए कि हाँ हम तुझे पैसे देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा लेंडर हुआ। लेंडर के ऊपर कौन सी हुंडी लिखी जाती है, देवी हुंडी, और इसकी एंट्री होगी जमा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाम लिखेंगे, दूसरा नाम विजय खाते उधार, ते देवी हुंडी खाते जमा। कितनी है अमाउंट, कितनी है 3 हज़ार रुपये की अमाउंट है। नेक्स्ट नंबर 3, रमणी की लेणी हुंडी रमेश ने वेचाण सेरो करी आपी। रमेश एक ऐसा इंसान जिसको हमको पैसे देने हैं,
अब बेचान शेयरों का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमको किसी के पास से पैसा लेना है 5,000 रुपये और किसी को पैसा देना है 5,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, उसके पास से पैसा आएगा उसके बाद उसको पैसा देंगे, ऐसा हम नॉर्मली करते हैं। कारोबार में क्या होता है कि यहाँ से जो चेक आया, बैंक से व्यवहार चलता है, बैंक से लेन देन चलती है, उसके ऊपर हम पीछे साइन कर देते हैं, उसके बाद वो चेक दूसरे को भेज देते हैं कि हमारा पैसा सीधा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये लैंड हुंडी में वैसा होता है कि अभी हमको किसी ने हुंडी एक्सेप्ट करके दी है कि ये पैसा हम तुमको इतनी तारीख में, हमने उसको लिखा है कि भाई ये पैसा इतनी तारीख में हमको दे देना, तो वो एक्सेप्ट करता है और हमको पैसा देता है, इतनी तारीख में पैसा मैं तुझे दे दूंगा। अब कोई और हमको बोल रहा है कि तू इतनी तारीख में हमको पैसा दे देना, तो हम क्या करेंगे, वो पैसे की हुंडी हम वहाँ पर भेज देंगे कि ये पैसा यहाँ से सीधा यहाँ चला जाए, इसको बोलते हैं बेचान शेयरों, हुंडी का बेचान शेयर इसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह की पहली एंट्री होती है उसकी उल्टी एंट्री हमको यहाँ पर, बुलेट एंट्री हमको यहाँ पर करनी पड़ती है। रमेश हमारा लेनदार है, क्योंकि हमको इसको बेचान शेयर करना है, तो इसका खाता क्या होगा, लेनदार का खाता क्या होगा, यहाँ पर ये लेनदार है तो लेनदार का खाता यहाँ पर हो जाएगा जमा, और लेनदार है हमारा, लेनदार का खाता हमारा उधार पर है, हुंडी का खाता हमारा यहाँ पर वापस जमा, देवी हुंडी का खाता हमारा यहाँ वापस जमा, ठीक है। अब तारीख तीसरा नाम है रमेश, रमेश को हमको जो रमणीक के पास है, रमणीक ने लेनी हुंडी, रमेश ने बेचान शेयरों करी आपकी, तो हम रमेश को पैसे दे देंगे। रमेश का खाता उधार कितने रुपए की थी, ये 8,000 की, अब ये हमारे पास आई थी जो जा रही है तो उसका खाता कर देंगे जमा, जो आई थी हुंडी तो उधार हुई थी अब जा रही है तो जमा कर देंगे, उसके बदले किसके पास जा रही है तो उसका खाता उधार कर देंगे, हो गया। नंबर 4 जब माल आता है, माल वापस हुआ हमारे पास परत आवे तो कैसा माल परत आता है, बेचान परत आवे और परत जाए तो कौन सा माल परत जाता है, खरीद, खरीदते हैं तो माल आता है, फिर जब रिटर्न जाता है तो वो जाता है, वो खरीदा हुआ माल होता है, फरोख करते हैं वो माल जाता है, जब वो रिटर्न आता है तो फरोख किया हुआ माल होता है, आवे यानी बेचा हुआ माल होता है और जाए यानी खरीदा हुआ माल होता है, आए यानी बेचान वापसी, फरोख वापसी और जाए यानी खरीद वापसी, ये चीज आपके माइंड में कुछ 2-3 पॉइंट है, 4-5 वो आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए कि अगर माल वापस आ रहा है तो फरोख वापसी हुई है, अगर माल वापस जा रहा है तो खरीद वापसी हुई है। नंबर 4 परे से आपने परत करी हो, ये हमारे पास माल वापस आया है तो बेचा माल का जमा होता है, माल वापस आया फरोख माल, जब फरोख खाता जमा, फरोख वापसी का खाता उधार, 3,000 का माल वापस कर दिया परेश ने हमको, परेश खाते जमा। इसी तरह आप दूसरी एंट्री, महेंद्र ने 1,500 नो माल परत मोकला क्यों, इसको हमने माल वापस किया है, महेंद्र खाते उधार 1,500 ते खरी परत खाते 1,500, ये दाखला हमारा यहाँ पर खत्म हुआ है। अभी मैं दूसरा दाखला स्टार्ट नहीं करूँगी, अब मैं नेक्स्ट पीरियड में दूसरा दाखला स्टार्ट करूँगी, ठीक है। 7वां दाखला नेक्स्ट पीरियड में करेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना ही, हाफिज़।